थोड़ी थोड़ी पिया करो, थोड़ी थोड़ी पिया करो कहने वाले जीतन राम मांझी फिर से एक बार नीतीश कुमार की शराबबंदी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुराग। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने फिर से एक बार बिहार की शराबबंदी पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा कि ये गरीबों के साथ अन्याय करने वाला कानून है और इसमें विषैले शराब का निर्माण हो रहा है जिससे स्थितियां और भी भयावह हो रही है। जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको उनका पूरा बयान सुनवा देते हैं, सुन लीजिए। शराबबंदी ठीक है, शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन शराबबंदी के आड़ में गरीबों को जिस प्रकार से सताया गया है, सताए जा रहे हैं, वो सोचने की बात है। और दूसरी बात है कि शराबबंदी के चलते विषैला शराब का निर्माण बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसको पी करके लोग मर रहे हैं। शराब बनाने की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में 2-3-4-5 दिन लगता है, लेकिन आज शराब 2 घंटा और 1.5 घंटा में लोग बना देते हैं। इसके चलते भी ऐसे होते हैं, नुके छुपे कुछ काम करते हैं जिसके चलते भी गड़बड़ बातें होती है। बाहर के लोग आते हैं यहाँ, ऊँचे दाम पर शराब बेचते हैं, हमारे लोग ऊँचे दाम पर ले लेते हैं, खपत होती है। हमारे सरकार के पैसा तो खराब होता ही है, व्यक्तिगत पैसा भी खराब हो जा रहा है। इसलिए शराबबंदी के खिलाफ सदा हम नहीं रहने की बात करते हैं, लेकिन उसमें जो प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है, शराबबंदी के नाम पर जो अनेक प्रकार की बातें हो रही है, उसके खिलाफ हम लोग हैं। उस पर एहतियाती कार्रवाई होनी चाहिए और इस मामले में हमने नीतीश कुमार से विशेष बार वाकई किया है और आप जानते हैं कि तीसरी बार उन्होंने समीक्षा किया है जिसमें है कि पीने के पर्पज से शराब अगर कोई पी रहा हो, ले जा रहा हो, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी सुनने में आता है कि लोगों को अरेस्ट किया जाता है, तो कानून एक अलग चीज़ है, इम्प्लीमेंटेशन समाज पर निर्भर करता है। तो समाज को भी सजग होना चाहिए और इस कानून में जो विकृतियाँ हैं उस विकृतियाँ को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो सुन लिया आपने कि जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं। जीतन राम मांझी फिर से एक बार शराबबंदी कानून पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि जीतन राम मांझी आज ही नहीं, पहले भी सवाल उठाते रहे हैं शराबबंदी कानून पर। दरअसल जीतन राम मांझी बात करते रहे हैं, जिस समाज से आते हैं, मांझी समाज से, और उस समाज में शराबबंदी की वजह से ज़्यादातर लोग पकड़े जा रहे थे, जेल में ठूसे जा रहे थे। हालांकि उसके बाद शराबबंदी कानून में बदलाव किया गया, लेकिन बदलाव के बावजूद जीतन राम मांझी खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। शराबबंदी कानून में बदलाव तो कर दिया गया, लेकिन जीतन राम मांझी का साफ तौर पे कहना है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, उनका कहना है कि गरीबों को सताया जा रहा है, शराबबंदी के चलते विषैला शराब का निर्माण अधिक हो रहा है। सरकार ने शराबबंदी को जब तीसरी बार समीक्षा की तो यह निर्णय लिया कि पीने के लिए अगर कोई शराब लेकर जा रहा है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी हो रही है। जीतन राम मांझी शराबबंदी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जीतन राम मांझी का कहना है कि ऊंचे दाम पर लोग शराब लेकर पी रहे हैं, शराबबंदी को सही ढंग का जो है सही ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है और जहरीली शराब बन रही है। पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरह से जहरीली शराब पीने से सैकड़ों मौतें हुई थी, एक सिलसिला चला था वो वक्त, हालांकि काफ़ी पहले की बात है, लगातार शराबबंदी से में जहरीली शराब पीने से मौत हो रही थी। तो फिर से बार उन्होंने कहा है कि शराबबंदी में जहरीली शराब बन रही है। और जीतन राम मांझी दरअसल रोहतास पहुंचे थे, रोहतास में एक कार्यक्रम था। जीतन राम मांझी जो कार्यकर्ता है, सरोज पासवान की हत्या कर दी गई थी और उनके परिवार से मिलने पहुंचे थे जीतन राम मांझी और परिवार वालों को उन्होंने ढांढस बनाया, लेकिन इस दौरान उन्होंने शराबबंदी कानून पर सवाल खड़े कर दिए। शराबबंदी कानून के बारे में उन्होंने कहा कि कानून बना है लेकिन कानून का सही तरीके से धरातल पर पालन नहीं हो रहा है। शराबबंदी कानून में जो विकृतियां हैं उसे दूर करना जरूरी है। शराब बनाने की एक प्रक्रिया है जिसमें हफ्ते लग जाते हैं, लेकिन धंधेबाज मात्र 1 घंटे में शराब बना रहे हैं। ऐसे में वह शराब ज़्यादा नुकसानदायक है जो खासकर गरीबों के जीवन को बर्बाद कर रही है। तो शराब बनाने की जो प्रक्रिया है वो बता रहे हैं जीतन राम मांझी और कह रहे हैं
कि जहाँ पहले 4-5 दिन में शराब तैयार किया जाता था, अब 1 घंटे में शराब तैयार कर लिया जा रहा है। वैसे में ये जो शराब है और ज़्यादा नुकसानदेह है, और ख़ास कर ये गरीब तबके के लोगों को ये जो विषैला शराब है ये नुकसान पहुँचा रहा है। तो जीतन राम मांझी ने फिर से एक बार नीतीश कुमार की इस शराबबंदी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, और थोड़ी थोड़ी पिया करो कर अपने समाज को समझाने वाले जीतन राम मांझी एक बार फिर कानून में बहुत सारे छेद बता रहे हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।